नागपुर सेंट्रल जेल कैदी कल्याण और पुनर्वास परियोजना द्वारा नागपुर बंदीगृह के कैदियों के बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह हमें ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद करती है। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और आदर्श का निर्माण करती है। शिक्षा हमें अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है और हमें देश के विकास और प्रगति में योगदान करने का अवसर देती है। और संविधान द्वारा अर्पित अधिकारों में शिक्षा का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके तहत हर लिंग का, हर तबके का, हर जाति धर्म और समाज का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस महत्व को समझते हुए नागपुर सेंट्रल जेल कैदी कल्याण और पुनर्वास परियोजना द्वारा नागपुर बंदी गृह के कैदियों के बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, ताकि वो भी समाज के मुख्य प्रवाह में उसे सकारात्मकता से शामिल हो सके। इस अवसर पर नागपुर जिला सत्र न्यायाधीश एनएच जाधव, जेल अधीक्षक वैभव आगे, उपाधीक्षक दीपा आगे समेत कैदियों के परिजन उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।